नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके पिलानी। धार जिले में डेंगू के दंश से लोग प्रभावित हो रहे हैं। जिले में 127 डेंगू के मरीज हैं, 23 मलेरिया के मरीज हैं, 3 चिकनगुनिया के मरीज हैं। आपको बता दें कि धार जिले के कई गांवों में डेंगू पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, जो कि निजी अस्पतालों में उपचार करवा रहे हैं। वहीं धार सहित जिले में लगातार हो रही बारिश से, मच्छर की भरमार से डेंगू और मलेरिया मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही। गंदगी की वजह से कई क्षेत्र हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं। जिला मुख्यालय पर भोज जिला चिकित्सालय के अलावा निजी अस्पतालों में मरीजों की भरपार है। वहीं मलेरिया विभाग का दावा है कि कहीं भी कोई भी डेंगू का क्रिटिकल केस नहीं है। मरीज डेंगू के अस्पताल में भर्ती नहीं है और कोई भी बीमारी से मौत नहीं है। जिन स्थानों पर संदिग्ध मरीज मिल रहे हैं, उन स्थानों पर मलेरिया विभाग की टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है, लार्वा तलाशने के साथ ही बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता भी कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि धार जिले के टांडा, नालचा, सरदारपुर, तीसगांव, तिरला, धार सहित कई जगहों पर मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन मलेरिया विभाग इन्हें संदिग्ध की श्रेणी में रखता है। मलेरिया विभाग के द्वारा इन क्षेत्रों में फॉगिंग मशीन से धुआं करवाया जा रहा है। जैसा कि डॉक्टर धर्मेंद्र जैन, जो कि जिला मलेरिया अधिकारी है, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जल भराव और घर के आसपास गंदगी होने से मच्छर पनपते हैं। लोगों को चाहिए कि वे अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, लगातार प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग मशीन से धुआं और दवाई का छिड़काव करवाया जा रहा है। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। मलेरिया विभाग के द्वारा जो रोकथाम की एक्टिविटी या प्रिवेंशन जो कार्यक्रम है, उसमें लार्वा सर्वे कर रहा है और फॉगिंग करवा रहा है इफेक्टेड एरिया में, और जो नगर पालिका से भी सहयोग लिया जा रहा है और काम कर रहे हैं उसको लेकर के, और जहां जहां पर केस मिल रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके वहां के चारों ओर का सर्वे किया जा रहा है। सर, ये जो आपके पास जानकारी है, डाटा है, ये सरकारी अस्पतालों का है या सरकारी और निजी अस्पतालों का मिलाकर? ये सरकारी और निजी अस्पतालों दोनों का मिलाकर के है। जब निजी अस्पताल में कोई पेशेंट आता है तो उसके सैंपल हमारे जिला अस्पताल में भेज दिए जाते हैं, उनका एलाइजा जांच करके हम उनको कन्फर्म करते हैं। ठीक है सर, नाम बताएं। धर्मेंद्र जैन, जिला मलेरिया अधिकारी, धार।